भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने यानी मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए करनाल में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को 21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए मतदान के प्रति जागरूक और उन्हें वोट के महत्व के बारे में जानकारी देगी। आज करनाल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनाव की रंगोली एवं मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को एक अनोखा संदेश दिया। कार्यक्रम उपायुक्त विनय प्रताप के साथ अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने शिरकत की। अनीश यादव ने कहा, महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वोटर को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि इस बार लोग अधिक से अधिक मतदान करें। आज जिला स्तरीय करनाल में हमने एक मतदाता जागरूक कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। इसमें हमारे जो पार्टिसिपेशन है बेसिकली हमने वुमेन फोकस करा है, क्योंकि हमारे जो फीमेल वोटर्स हैं उनका वोटर टर्नआउट रिलेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल वोटर्स। तो हमको इनको जागरूक करने के लिए हम इनको बताएंगे हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और क्यों अपना वोट डालना जरूरी है 21 अक्टूबर 2019 को। इसके साथ में हमने जैसा आपने देखा कि यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई है, एक रंगोली भी बनाई थी बड़ी, तो उसको हमने कैप्चर करेंगे ताकि ये मैसेज हमारा कल न्यूज़पेपर के माध्यम से और आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे कि 21 अक्टूबर को वोट डालना क्यों जरूरी है। मैं आपको टोटल डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक्टिविटीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हमने PWD वोटर्स जो हमारे होते हैं डिफरेंटली एबल वोटर्स, उनके हमारा जैसे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जैसे तपन हो गया, अर्पना हो गया, वो हमारे जो करनाल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हमने मोबिलाइज़ कराया, उनको ये बताया कि हमारा जो EVM मशीन है वो कैसे फंक्शन करती है। हमने वहाँ पे उनका सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाया EVMs को लेके। साथ में हम कुछ मॉडल बूथ सेटअप कर रहे हैं और कुछ ऐसे बूथ्स होंगे जो कि हमारे जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे वो PWD वाले होंगे, तो वो अपना सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर सुचारू रूप से वोट पड़े और उसको मैसेज देंगे कि भाई कैसे हमारे जो डिफरेंटली एबल है वो देखो वोट तो डालती हैं और साथ में वोट डलवा भी सकते हैं। कितना परसेंटेज का ज़्यादा इस बार हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में हमारा 67% था, तो इस बार हमारा टारगेट 80% से ज़्यादा रहेगा वोटर टर्नआउट का। हाँ जी, ये ड्यूटी लगाई है कि हर घर में सभी को वोट करना है, मतदान देना है, पहले मतदान फिर जलपान, सभी को मतदान। कोई भी ऐसा व्यक्ति, महिला या आदमी, कोई भी ऐसा घर ना हो, बुजुर्ग, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी वोट करें। हम यही गांव में जाके संदेश देंगे और घर घर जाके कहेंगे। इस बार काफ़ी जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की है, गांव में भी जाके। हाँ जी, हाँ जी, यही कहेंगे जी, पहले सुबह अपना मतदान करें, फिर उसके बाद आप जहाँ भी, आप जो भी काम करेंगे तो उसके बाद में काम करेंगे। सावित्री।